दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ और एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है। दोस्तों आजकल आप लोग मेरी वीडियोस को खासा पसंद कर रहे हैं, आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। लाइक और शेयर करने के साथ साथ आप लोग अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो मकतब के हवाले से परेशान हैं और मकतब डी के हवाले से पूछा जा रहा है कि मकतब डी में क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो उसके हवाले से मैंने पहले भी आपको वीडियोस अपलोड करके दी हैं और आगे भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर दे दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मकतब डी या मकतब सी या मकतब ए या मकतब बी, इसके हवाले से आप परेशान होना छोड़ दें और हज की तैयारी शुरू करें। मकतब डी अगर लेट से आप लोगों को मिल रहा है तो मकतब सी और मकतब डी में सिर्फ डिस्टेंस का फ़र्क है, अदरवाइज जो खाना है, जो एकोमोडेशन है, जो मकातब हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। जो आपको मकतब सी में गद्दा मिलेगा वो आपको मकतब डी में भी वही गद्दा मिलना है। पहले दिन थोड़ा मुश्किल होता है जब आप मीना पहुंचते हैं, उसके बाद तो फिर आपने कभी अरफात जाना है तो कभी मुजदलफा जाना है तो जमरात जाना है, फिर तवाफ़ विदा, फिर आप हल करवा रहे हैं, तो मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ लोग मूवमेंट में रहते हैं तो वो वहाँ पर आपको स्पेस मिल जाती है, तो कई ऐसा इशू है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी मत हो। डे 5 के हवाले से मैं आपको अपडेट करता चलूँ कि कितनी एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। डे 1 पे मैंने आपको बताया था कि 1014 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं, डे 2 पे 1147, डे 3 पे 1382, डे 4 पे 1609 और डे 5 पे जो एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं रेगुलर हज स्कीम के तहत वो 1919 एप्लीकेशन हैं और स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जो एप्लीकेशन जमा हुई हैं वो 128 हैं। जो डे 4 से कम है, डे 4 पे जो स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत एप्लीकेशन सबमिट हुई थी वो 155 थी और अब डे 5 पे 128 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। तो ये टोटल मिलाकर डे 5 पे जो एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं टोटल वो 2047 एप्लीकेशन आई हैं अभी तक। तो ये कुल मिलाकर टोटल 7199 एप्लीकेशन 5 दिनों में अभी तक ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम बैंकों के थ्रू दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान अगर मैं बैंक्स का कंपैरिजन करूं तो एमसीबी बैंक अगेन 2647 एप्लीकेशन के साथ सरफहरिस्त है, मिजान बैंक 967 एप्लीकेशन के साथ नंबर 2 और यूनाइटेड बैंक में 958 एप्लीकेशन टोटल सबमिट हुई हैं। तो ये टोटल कुल मिलाकर 5 दिन में जो एप्लीकेशन आई हैं वो 7199, 6749 एप्लीकेशन रेगुलर हज स्कीम के तहत और 450 एप्लीकेशन स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत अभी तक जमा हो चुकी हैं। दरख्वास्तें जमा होने का तनासब देखूं तो ये इंतहाई कम है, 8.1% जो 5 दिनों में का खासा कम है। पिछले साल के कंपैरिजन किया जाए तो 17% एप्लीकेशन 5 दिनों में सबमिट हो चुकी थी और जो इस साल सिर्फ 8.1% एप्लीकेशन जमा हुई हैं 5 दिनों में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।